से सीमा राय नामांकन कर बाहर निकली है। मैडम क्या कहेंगे, नामांकन किया है आप, कैसे मानते हैं इस बार चुनाव में? नामांकन की प्रक्रिया तो सबसे बड़ी है संविधान में है ना, तो आज मैं नामांकन करके निकली हूँ। भाजपा से चर्चा था आप चुनाव लड़ेंगे? जी चर्चा तो था, नाम भी था, अब क्या बोले, क्या कहेंगे, टिकट बंटवारे में गलती की गई। कहना तो यही है ना कि गलती तो की, गलत उम्मीदवार को चुना गया, 5 साल वो रहे हैं तो क्षेत्र में उन्होंने कुछ किया तो नहीं, और फिर से उनको दोबारा टिकट देने का जो मुहिम ठानी पार्टी ने, तो मैं तो यही कहूँगी कि उम्मीदवार को गलत चुना गया है। कैसी तैयारी मानते हैं अपने? मेरी तैयारी बहुत ही अच्छी है, मेरे साथ महिला और युवा साथ है। प्राथमिकता क्या होगी आपकी? मेरी प्राथमिकता होगी सड़क, बिजली, महिलाओं को आगे बढ़ाने का, युवाओं को रोजगार के लिए, यही प्राथमिकता होगी मेरी। कब से तैयारी कर रहे हैं? मेरी तैयारी काफ़ी सालों से है। कितनी चुनौती होगी? 100% चुनौती के साथ मैं आ रही हूँ। काफ़ी बड़े बड़े शहर हैं सामने आपके, रहने दीजिए, मेरा भी चेहरा कोई कम नहीं है। जनाधार मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, 100%। महिलाओं के लिए सीमा जी क्या करेंगी, क्योंकि आप प्रत्याशी हैं? मैंने तो कहा महिलाओं के लिए रोजगार की मैं जरूर व्यवस्था करूंगी, क्योंकि महिलाएं सशक्तिकरण की बातें करने वाले आज तक महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया है, तो मैं महिला हूँ तो उसकी सशक्तिकरण की बातें तभी सोचूंगी जब महिला घर से बाहर निकले। महिलाओं के लिए जी, तो इसे कैसे देखती हैं महिला सुरक्षित नहीं है राज्य और प्रदेश की अगर बात करें तो, लगातार इस तरह की घटनाएं आती रहती हैं सामने, उसके दिशा में क्या करेंगे? सरकार की क्या बोलूंगी, इसमें सरकार का दोष है पूरी तरह से, अगर महिला सुरक्षित नहीं है तो प्रशासन ढीला है हमारा। आप क्या कुछ करेंगी इस दिशा में? अभी ये बातें बोलना तो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, बड़ी छोटी मुंह बड़ी बातें बोलूंगी, अगर करके दिखाना है मुझे। जीत की आती है तो फिर एनडीए में जाएंगे या इंडिया गठबंधन में? नहीं, इसके लिए सॉरी। कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी हैं सामने आपके। जी, उनको क्या कहेंगे? सबने छला है अब तक, इस बार नए प्रत्याशी को, वही महिलाओं को देखे क्षेत्र। योजना जो चल रही महिला योजना, इसके लिए क्या परिचय दे देंगी मैम? मेरा नाम सीमा राय हुआ। देखिए आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, या बता दें आपको जानकारी के लिए कि जो मंत्री हैं बैद्यनाथ राम, उनकी जो है धर्म पत्नी है सीमा राय, और नामांकन कांकेर विधानसभा से की है, तो फूल माला पहना कर जो है सीमा राय का जो है स्वागत किया जा रहा है नामांकन के बाद। क्या आप लोग क्या कहिएगा? बस इस बार हम लोग का यही कहना है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाए, और जितना हो सके, फर्स्ट टाइम अगर कोई भारतीय नारी उतरी है इस मैदान में तो हम लोग को खुल के सपोर्ट करना है और इनको आगे बढ़ाना है पूरा आप लोग साथ, क्योंकि जिस तरह से आए दिन हम लोग सुनते हैं कि किसी लड़की किसी महिला के साथ छेड़खानी हुआ, चेन स्नेचिंग हो रहा है, तो किसी तरह का गलत दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग सुरक्षित करना चाहते हैं। जी मैं विकास कुमार, मेरा नाम है, मैं रांची से ही हूँ प्रॉपरली, और जी कहाँ के विधानसभा क्षेत्र से।